tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. Chal uth ja, let's crack it, zor de laga. Let's crack it, gher ko chhod de. Let's crack it, raaste mod de. Let's crack it, chal uth ja. Let's crack it, zor de laga. Let's crack it, gher ko chhod de. Let's crack it, raaste mod de. Let's crack it. Saadhan si hai ye baat, pariksha karni hai paas. Rok ke rakhna apni saans, apni ek hi aas. Pije sare mantar aur rat le sare formule. Jab tak paar lage na nahi hai, tab tak rest na tule. To is baar tu aad de, 6 foot andar gaad de. Aasma ko faad de, zor se dahaad de. Andar ki awaaz sun jo tere bhitar aayi hai. Zor laga tu zor laga. Let's crack it. Lad zara kuch kar dikha. Let's crack it. Lad zara kuch kar dikha. Let's crack it. Zor laga tu zor laga. Lad zara kuch kar dikha. Tu kaane hai badi, inki bhokte bada bhari hai. Bika hai pakwan, inka shiksha ke vyapari hai. Ek number tera kaam fees yahan bahut zyada hai. Tu baakiyon se piche hai, tu dekho kitna niche hai. Uske baap ka sikka chalta hai, tere baap ko aata sikke hai. Mat sun inki ye dhun, inki tu badhta ja, bas darta ja. Crack karte ja, crack karte ja. Zor laga tu zor laga. Lad zara kuch kar dikha. नहीं हार सबको करके दिखा क्या तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा कर दिखा लड़के दिखा। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल परिहार। आप सब लोगों का स्वागत है हर दिन की तरह बैंकर्स वे पर इस खास सेशन में, हर दिन सुबह 7 बजे जो हम लोग यहां पर करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पॉजिटिव मोटिवेशनल कोट के साथ। कितनी शानदार बात से देखो शुरुआत हुई है। मात्र अनुशासन और हर दिन अभ्यास, सफलता इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है। आपने एक अपना शेड्यूल बनाया, उसको अब आप फॉलो कर रहे हो। बस अगर आपने एक छोटा सा शेड्यूल बनाकर उसे फॉलो कर रहे हो, अगर आप वहां पर सफल हो, आप सारी चीजें सफल हो जाओगे। छोटी छोटी चीजों में आपको बस सफलता ढूंढनी है। हम कई बार बहुत बड़ा टारगेट करते हैं ना, अच्छी बात है हमें बड़ा टारगेट करना है, लेकिन उसे हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि पहले ये अचीव करेंगे, फिर ये करेंगे। वो कैसे होगा? रेगुलर प्रैक्टिस के साथ में और साथ में अनुशासन के साथ में। इसी अनुशासन को अपने दिमाग में आप रखते हुए सुबह 7 बजे आते हो, ये बताता है कि आपको सिलेक्शन जरूर होगा, जल्दी से जल्दी मिलेगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों पॉजिटिव स्पिरिट के साथ। आज की क्लासेस में देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर वन दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था स्पेशल क्लास हम लोग करेंगे। कल भी हम लोगों ने 2 क्लास की थी, आज भी हम लोग 2 क्लास करेंगे। यह अनअकैडमी स्पेशल क्लास है। पहली क्लास सुबह 9 बजे होगी, दूसरी दोस्तों 9:40 पर होगी। ये क्लासेस कैसे लेनी है मैं आपको बताता हूं और क्या होने वाला है। लास्ट 1 वीक में हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस करी, जिसमें 160 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। उन 160 क्वेश्चन में कितना आया कितना नहीं, वो चेक करना भी जरूरी है। तो पूरा हम कॉन्सेप्ट के साथ में सीखेंगे कैसे करके आते हैं, मैं आपको फटाफट से बताता हूं। वेरी सिंपल स्टेप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है आपको। नंबर वन, ऐप डाउनलोड करके मेरा नाम ढूंढना है, विशाल परिहार, मैं मिल जाऊंगा, मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करके मेरी प्रोफाइल में आना, ऐसे प्लस लिखा हुआ है, स्क्रॉल डाउन करोगे लिखा होगा स्पेशल, और उसी स्पेशल के टैब में ही मेरी क्लासेस वहां लगी हुई हैं। आपको सिर्फ जाके उसे एनरोल कर लेना, बस एनरोल कर लेना, ठीक है, इतना सा काम करना है। एनरोल कर लेना, एनरोल हो जाएगा। एनरोल करने के लिए कोई कोड मांगेगा तो ये कोड लगाना, बस आपका काम हो जाएगा। ये काम आपको करना है, आपकी क्लास ओपन हो जाएगी। तो आज 9 बजे इसके लिए जुड़ना। पहली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। आइए चलते हैं न्यूज़पेपर पर, क्या क्या हमारा आर्टिकल आया है डिस्कस वाला करने के लिए।
पहला आर्टिकल दोस्तों ये रहा, आसाम और मिजोरम दोनों में बॉर्डर इशू, बॉर्डर क्लैश हुए, जिसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरी तरफ से फायरिंग होना शुरू हो गई और उसमें कुछ जवान हैं वो शहीद हो गए आसाम से, बहुत से लोग हैं वो घायल हुए, तमाम तरीके का एक बड़ा बड़ा एक तरीके का वायलेंट एक्टिविटी हो गई। डिटेल डिस्कशन करेंगे यहाँ पर क्या अभी वहाँ पर हुआ है। दूसरा दोस्तों ट्यूनिस की बात हो रखी है, अब है क्या ट्यूनिशियन प्रेसिडेंट ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया है, निरस्त कर दिया है, COVID-19 को अच्छे से इन्होंने टैकल नहीं किया, फैसिलिटीज अच्छे से नहीं प्रोवाइड करी, ये सारे सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए अब ये स्टेप सही है कि खराब है, ये थोड़ा डिटेल डिस्कशन इसका भी करेंगे, हमारे काम की चीज है। अगला दोस्तों आर्टिकल ये है, एक तरफ हमें पता चल रहा है यूएस अपनी जो ट्रूप है निकाल कर अफगानिस्तान से वो धीरे धीरे बाहर हो ही रही है पूरी तरीके से, और साथ के साथ अब बाकी जो कंट्रीज बची हुई है उन सभी कंट्रीज को और यूनिफाइड होने की जरूरत है, अदरवाइज क्या तालिबान और बड़े लेवल पर फैल सकता है और उसके बाद वो नुकसान सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं बाहर की कंट्रीज में भी पहुंचाएगा। तो ये करके आर्टिकल में दिया हुआ है, पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ेगा, मतलब ऐसा नया नहीं है बट हाँ इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल दोस्तों ये है, यहां पर कंडीशन बताई जा रही है कि जो हमारे प्राइवेट अनएडेड स्कूल और कॉलेजेस होते हैं, उनमें पढ़ाने वाले जो टीचर्स और प्रोफेसर हैं उनको लेकर एक अभी रिसेंट सर्वे हुआ और उस सर्वे में ये पता चला कि वो जो टीचर्स हैं ऑलरेडी जो अंडर पेड सैलरी में काम कर रहे थे कोविड की वजह से, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से उन लोगों ने बाकी सारे काम करना शुरू कर दिए, जिसमें एक बार एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि एक कोई प्रोफेसर थे उन्होंने अपना काम चेंज किया था, जिसमें वो पत्ते ओक नाम भूल गया, ताड़ का पेड़ था आई गेस, कोई अभी बताता हूँ, तो वो पत्ते उसके काट काट के उसको बेचा करते थे, जिसमें वो एक बार पेड़ पर चढ़े और फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गए और उनकी वहां पर मौत हो गई। ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर कई सारे हैं जो सर्वे को बताते हैं, प्रॉब्लम उसके पीछे क्या है, क्या किया जाना चाहिए, तो वो एक यहाँ पर दिया हुआ, तो एक बार जरा इस पर नजर जरूर मारेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर जाओ, यहाँ चलते हैं। बेसिकली यहाँ पर बात बोली जा रही है कि नदियाँ हैं या जिस भी तरीके के वाटर बॉडीज़ हैं, अगर वहाँ पोल्यूशन है इंसानों की वजह से, पोल्यूशन एक वो पोल्यूशन अलग है जो हमें एयर पोल्यूशन मिलता है, बट जो कचरा एक्चुअली पहुँच रहा है, कचरे वाला जो पोल्यूशन है उसको साफ किया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, इंडिया का नहीं है, बाहर का है, तो आप थोड़ा तो पढ़ेंगे, हम बाकी वो क्या पढ़ लेते हैं फटाफट से और फिर एक एक करके आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वो क्या आप नोट करना शुरू करो एक एक करके, बाकी याद रखना इसको लेकर आज हम स्पेशल क्लास में मिलने वाले हैं, दोनों की दोनों क्लासेस को लेकर सब लोग मिलना और क्लास के तुरंत बाद ही से एनरोल जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, कैसे करके एनरोल करना, फटाफट से लिखना शुरू कर दो वो क्या आप एक एक करके। पहला वर्ड है दोस्तों आपके लिए, लिखना शुरू करो, पहला वर्ड है कॉन्फ्लिग्रेशन। कॉन्फ्लिग्रेशन है वर्ड क्लास में, आई ओ एन है, नाउन की तरह यूज होगा, ये नाउन की तरह यूज हुआ है, विच मीन्स एन एक्सटेंसिव फायर, भयानक आग लग जाना, विच डिस्ट्रॉयज अ ग्रेट डील ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी, जो कि काफी भारी मात्रा में जमीन और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देती है, तो वो आग लग जाना आपका कॉन्फ्लिग्रेशन कहलाता है, आग हमने हिंदी में लिख दिया ऐसे करके दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, लिखते जाओ सभी लोग। अगला वर्ड है एस्केलेशन, आई ओ एन यहां पर भी है, आई ओ एन तो यहां पर भी है, याद रहेगा, ऐसे भूलोगे नहीं, है ना। एस्केलेशन नाउन की तरह यूज हुआ है, लिख लो इसको भी, विच मीन्स रैपिड इंक्रीज और राइज, अचानक से वृद्धि हो जाना वो आपका एस्केलेशन कहलाता है, किसी भी चीज में वृद्धि हो जाना इंक्रीज आपका एस्केलेशन कहलाता है। अगला वर्ड है डोरमेंट। डोरमेंट टर्म आपने कहां सुना है, एक्टिव वोल्केनो, डेड वोल्केनो, एक डोरमेंट वोल्केनो, एक्टिव तो हमेशा एक्टिव है, फटता रहता है, डेड मतलब वो बहुत सालों से फटा ही नहीं है, और डोरमेंट यानी कि कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हुआ लेकिन वो बीच बीच में फटते रहते हैं ना, इसका मतलब डोरमेंट उस चीज को हम कहते हैं जो टेम्पररली इनएक्टिव है, जो टेम्पररली इनएक्टिव है, टेम्पररली इनऑपरेटिव है, उसको हम बोलते हैं डोरमेंट, असलीप है यानी उसको हम निष्क्रिय है वो कोई चीज, उसको हम कहते हैं डोरमेंट, एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखिएगा, ऐसे याद रहेगा ना, वोल्केनो से याद रहेगा तो आप भूलोगे नहीं कभी, हालांकि वोल्केनो की बात नहीं हो रही है यहां पर, वो मैं अभी देखूंगा, कोई चीज जो थोड़े टाइम के लिए टेम्पररली बेसिस पर रुकी हुई है इनएक्टिव है उसे हम कहते हैं वो चीज आपकी डोरमेंट है। अगला वर्ड है स्किर्मिश, वेरी वेरी कॉमन वर्ड, लिखते जाओ दोस्तों, स्किर्मिश है जिसका मतलब है दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रखा है, झड़प हो रखी है, लड़ाई झगड़ा हो रखा है, उसको हम कहते हैं स्किर्मिश। हमने कहा
एन एपिसोड ऑफ इरेगुलर और अनप्रीमीडिएटेड फाइटिंग हो रही है, स्पेशली बिटवीन स्मॉल और आउटलिंक पार्ट्स ऑफ आर्मीज या फ्लीट्स, इन दोनों के बीच में जो झड़प है, जो झगड़ा है, उसी झड़प झगड़े को हम कहते हैं स्किर्मिश। नाउन की तरह दोस्तों यूज हुआ है, इसको याद रखना है। चलो लिख लिया स्किर्मिश, लिखते जाना, ऐसे मत करना कि लिख नहीं रहे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है हम सिर्फ वीडियो देखते जा रहे हैं काम बनता जाएगा, ये मत करना। लिखते भी जाना, बोलते भी जाना, एटलीस्ट जितना मैं बोल रहा हूं उसका 50% तो बोल ही सकते हो ना। स्किर्मिश, स्किर्मिश हो गए, झड़प हो गई, स्किर्मिश झगड़ा हो गया, ठीक है, डोरमेंट हो गए, टेम्पररली इनएक्टिव हो गए, ऐसे करके याद रखना, तभी दिमाग में रहेगा वरना भूल जाओगे। अगला वर्ड है स्नोबॉल। स्नोबॉल का ना कोई बॉल है ना कोई स्नो, बर्फ जैसी कोई बात नहीं है। स्नोबॉल वर्ब की तरह यूज होता है, which means increase rapidly in size, कोई चीज साइज में बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी में बढ़ रही है, उसकी इंपॉर्टेंस में कोई चीज बढ़ रही है, तो ये वो चीज आपकी स्नोबॉल हो रही है। याद रहेगा स्नोबॉल का कोई बाह, कोई स्नो नहीं हो रही, कोई बॉल नहीं है, बट आप ऐसे करके याद रखिएगा स्नोबॉल का मतलब क्या है, कि कोई भी चीज जो बहुत तेजी से रैपिडली इंक्रीज हो रही है, उसे हम बोलते हैं स्नोबॉल। वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, याद रखना है। अगला वर्ड है बुनोमी। बुनोमी क्या है? कोई व्यक्ति का नेचर है, उसका नेचर बहुत ज्यादा जेनियलिटी वाला है ना, बहुत ज्यादा अच्छा है, खुशमिजाज है, चीयरफुल है, तो वो आपका बुनोमी है। हमने देखा चीयरफुल, फ्रेंडलीनेस या फिर जेनियलिटी। अब जेनियलिटी भी वर्ड अगर किसी के लिए नया है तो याद रखो इटी करके दिया होता है, नाउन की तरह यूज होगा। जेनियलिटी का मतलब है फ्रेंडली नेचर, है एकदम खुश वाला, चीयरफुल, फ्रेंडलीनेस, ये नेचर आपका कहलाता है बुनोमी, नाउन की तरह यूज होता है, खुश मिजाजी हमने यहां पर हिंदी में लिख रखा है। आगे वर्ड है दोस्तों, अगला वर्ड है सेक्टेरियन। सेक्टेरियन आपका सेक्ट से बना है, सेक्ट का मतलब किसी भी प्रकार का रिलीजन से रिलेटेड, सांप्रदायिक होते हुए, तो सेक्टेरियन का मतलब हो गया रिजिडली फॉलोइंग दी डॉक्ट्राइन्स ऑफ अ सेक्ट, किसी एक सेक्ट या फिर एक धर्म या किसी एक प्रकार के ग्रुप के जो नियम है, जो उनकी डॉक्ट्राइन्स है, उनको फॉलो करना। डॉक्ट्राइन का मतलब डॉक्टर नहीं, डॉक्ट्राइन का मतलब एक प्रकार की विचारधारा, थॉट प्रोसेस, उसको हम कहते हैं सेक्टेरियन, सांप्रदायिक हिंदी में लिख दिया। याद रहेगा दोस्तों, बताओ भूलोगे तो नहीं, सब लोग मुझे बताओ याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं, तो मुझे बोले जी सर याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। अगला वर्ड लिखते हैं इसमें कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट का मतलब है कोई भी एक ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जिसकी वजह से कुछ होने लग जाए, कुछ एक्शन होने लग जाए, वो वहां पर उसको पुश करने का काम करे, उस चीज को हम कहते हैं कैटलिस्ट। यूज एज अ नाउन, नाउन की तरह यूज होता है, ए पर्सन और थिंग दैट प्रेसिपिटेट्स एन इवेंट, जिससे कि कोई इवेंट हो, जिससे कि कोई कुछ काम हो, इज कॉल्ड कैटलिस्ट, नाउन की तरह दोस्तों यूज होता है। याद रखना है दोस्तों, इस तरीके से नाउन की तरह यूज होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड है कॉन्डन। ये आपका दोस्तों वर्ब की तरह यूज होता है, विच मींस एक्सेप्ट बिहेवियर दैट इज कंसीडर्ड मोरली रॉन्ग और ऑफेंसिव। कोई भी बिहेवियर जो कि गलत है, रॉन्ग है, ऑफेंसिव है, उसको एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट कैसे कर लिए? चलो कोई बात नहीं, माफी दे दी, तो वो आपका कॉन्डन कहलाता है दोस्तों, वर्ब की तरह यूज होता है, इसको याद रखना है। आखिरी वर्ड है स्लाइड का, दैट इज पार्टीशन। पार्टीशन पार्टीशन नहीं है, क्या अलग अलग हो गए, पार्टीशन है। पार्टीशन मतलब पार्टी से रिलेटेड बना है, ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ अ पार्टी या किसी कॉज का सपोर्टर, पर्सन का सपोर्टर, तो सपोर्टर या फॉलोवर को हम कहते हैं पार्टीशन। याद रखिएगा इसको, फर्स्ट स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगली स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है सभी लोग? डन, परफेक्ट है, ओके। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड ये रही, एस ए सी के, सैक। वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज होता है, नाउन भी लिखा हुआ यहां ऐसे करके, वर्ब भी लिख लो, वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज होता है, जिसका मतलब है किसी को उसके एम्प्लॉयमेंट से अलग कर देना, डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसमिसल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, इज कॉल्ड सेक। अभी प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो आपका सेक ही कहलाता है, नाउन की तरह, वर्ब दोनों तरह यूज होता है ये वर्ड। अगला वर्ड है वो, डब्ल्यू ओ ई, व्हील एंड वो, ये टर्म सुना है ना, खुश और दुखी दोनों चीजें। सो वो का मतलब है कोई दुख, ग्रेट सैर सोरो और डिस्ट्रेस, वही संकट आ रखा है, ऑफन यूज हाइपरबोलिकली।
सो अब ये नॉर्मल यूज नहीं होता है, ये आपका यूज ही होता है हाइपरबोलिकली, तो वो आपका यूज होता है वो, यानी कि वो कोई संकट, कोई बड़ा महान तो नहीं, बड़ा दुख, दैट इज वो, ऐसे करके दोस्तों याद रखिएगा। अगला वर्ड है आपके लिए बटर, इट्स बटर, बटर, बी ए टी टी आर, बटर, बेटर नहीं है, बटर है, बटर। बटर आपका वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, विच मीन्स सेंसर लगाना, यानी किरटाइज ही करना, डिफीट सीवियरली, स्ट्राइक रिपीटेडली विद हार्ड ब्लो, यानी कि किसी चीज पर आप चोट पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वही आपका बटर कहलाता है, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखिएगा, यही बटर कहलाता है, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखिएगा। अगला वर्ड है स्टैम्पीड, स्टैम्पीड आपका होता है कि 2, 4, 10 लोगों का एक ग्रुप एटलीस्ट हो, या फिर कई सारे लोग हो, कई सारे जानवर हो, अचानक से उनके बीच में भगदड़ हो जाए, उसे हम स्टैम्पीड कहते हैं। ये आपको दोस्तों नाउन की तरह यूज होता है, हमने लिखा ए सडन पैनिक्ड रश ऑफ अ नंबर ऑफ हॉर्सेस, कैटल, अदर एनिमल्स और ह्यूमंस टू, सभी का अचानक से जो सडन रश हो जाता है ना, उसी को हम कहते हैं स्टैम्पीड, वो भी पैनिक तरीके से, तो आपकी भगदड़ हम लोगों ने यहां पर लिख दिया, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, ठीक है, स्टैम्पीड। अगला वर्ड है सबसाइड, सबसाइड का मतलब है बिकम लेस इंटेंस, बिकम लेस वायलेंट, बिकम लेस सीवियर, कोई चीज कम वायलेंट होना, कम सीवियर होना, कम खतरनाक रह जाना, कम खराब हो जाना, वो आपका सबसाइड कहलाता है, वर्ब की तरह यूज होता है, कम होना हमने हिंदी में लिख दिया। बोलो जी सर, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, ये तो आसान है ना, आसान है, मुझे लिखकर बताना, जी सर भूलेंगे नहीं। अगला वर्ड है टेस्टी, ये टेस्टी जीभ से चखने वाला टेस्टी नहीं है, स्पेलिंग ध्यान से देखो, टी ई एस टी वाई है, टी ई एस टी वाई, जिसका मतलब है कि दो लोगों के जो रिलेशन है बड़े खराब है, तो वो टेस्टी रिलेशन है। ये कैसे याद रहेगा, नहीं ये टेस्टी रिलेशन है, किसी कहते नहीं खराब रिलेशन है, ये अलग ही है, ये तो है ना, स्पेलिंग अलग है, ध्यान रखना। तो कोई चीज जो इजीली इरिटेटेड हो जाए, इम्पेशेंट हो जाए, समवॉट बैड टेम्पर्ड हो जाए, खराब हो जाए, हालांकि यहां पर जो वो है वो रिलेशनशिप के लिए ही यूज हुआ है, कि जो टेस्टी रिलेशनशिप है, यानी जो खराब रिलेशनशिप है, बेकार रिलेशनशिप है, आप इसका इस्तेमाल कितना अच्छे तरीके से कर सकते हो, है ना, कि रिलेशनशिप टेस्टी है, वाह क्या बात है। अगला वर्ड है ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्केस्ट्रेट, एक तो ऑर्केस्ट्रेट करना क्या होता है, किसी भी फंक्शन को मैनेज करना, जहां पर वो गाने वाने चल रहे हैं, वो होता है ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्केस्ट्रा का ऑर्केस्ट्रेट करना, और दूसरा ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, एनी इवेंट, एनी थिंग दैट इज ऑल्सो ऑर्केस्ट्रेट, उसको भी तो हम ऑर्केस्ट्रेट ही कहेंगे। तो हमने लिखा प्लान और कोऑर्डिनेट द एलिमेंट्स ऑफ अ सिचुएशन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट, स्पेशली surreptitiously, यानी कि सीक्रेटली आप कुछ कर रहे हैं, वो प्लान करना आपका कहलाता है ऑर्केस्ट्रेट। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ये है सेकंड स्लाइड, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में सीख रहे हो, सीख गए हो तो एक बार जरा लाइक बटन पर प्रेस करके बताओ, जी सर सीख गए, मुझे सबके थम्स अप चाहिए, सब लोग फटाफट से देखो और आगे बढ़ते हैं, कम ऑन सभी लोग, डन, स्क्रीनशॉट, बढ़िया, आ जाओ आप चलते हैं न्यूज़पेपर पर, ठीक है, देखो जरा ये अपना हो गया, इधर आते हैं, अब इसमें पढ़ते हैं। देखो यार होता क्या है कि कहीं जब दो देश के बीच का बात होती है तो वो एक बॉर्डर है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि अपना एक देश है, दूसरा एक देश है, तो उन दोनों देशों में कुछ कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर आप बॉर्डर के चीजों को सॉल्व इसलिए नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप बॉर्डर बना रहे होते हैं तो वो तभी सॉल्व होता है जब आप इस स्पिरिट से होते हैं कि आपकी तरफ से भी कुछ जमीन है वो जाएगी, कुछ रिसोर्सेज जाएंगे, उनकी तरफ से भी कहीं कहीं कुछ जाएगा, जब जहां व्यक्ति दोनों तरफ से मैनेज कर लेते हैं तब तो ठीक है, वरना जहां मैनेज नहीं होती वहां होते हैं झगड़े। और ये झगड़ा पहली बार का नहीं है, कि मतलब आज ही हुआ है, आसाम और मेघालय की बात नहीं लिखी, लेकिन मेघालय के साथ भी ऐसा ऐसा है, बॉर्डर इशू है, बॉर्डर इशू हुए। अब उन इशू में क्या है कि पहाड़ी एरिया है वो पूरा का पूरा, तो वहां पर लैंड ना काफी कम है, तो छोटी छोटी लैंड पर भी अगर थोड़ी बहुत भी जमीन है वो भी अगर किसी की जाती है तो बड़ा नुकसान होता है लोगों का वहां।
अब एक के हिस्से से जाएगी दूसरे के हिस्से में आएगी तो वहां तो झगड़ा होगा ही होगा, तो ऐसे झगड़े को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। बट अभी वो आगे देखा जाएगा, बट इन सारी चीजों के चक्कर में क्या झगड़ा बढ़ गया। झगड़ा बढ़ा तो हुआ क्या कि आसाम जो पुलिस है वो पुलिस फोर्स उनका और मिजोरम पुलिस फोर्स एग्जैक्टली क्या सीन है नहीं पता, दोनों तरफ से क्या अब ये आरोप लग रहे हैं, एक्यूजेशन है कि इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया, फिर यहाँ से पहले गोलीबारी हुई है, सब कुछ हुआ। बट इन सारी चीज़ों में नुकसान क्या हुआ, सबसे पहले जो आसाम पुलिस के जवान है वो शहीद हुए, उनको गोली लगी। अब दूसरी चीज़ वहाँ जो सिविलियंस है बहुत सारे उनको नुकसान हुआ, बहुत चोट पहुँची, उसमें कुछ घर वगैरह थे, झोपड़े थे, वहाँ पर आग लगा दी गई, ये जो भीड़ थी वहाँ की वो वायलेंट हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। अब जब ये सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं इसके बाद अब अपने पास आर्टिकल है, थोड़ा कुछ सॉल्यूशंस की भी दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं, तो आओ जरा हम उसको देख ले रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो आसाम से हैं, डेफिनेटली कई सारे लोग आसाम से होंगे, मुझे बताइए। आसाम और मिजोरम से रहने वाले लोग आप इन चीजों के बारे में क्या सोचते हो मेरे को दोस्तों जरूर बताना, जो लोग इसे ऑफलाइन देखेंगे वो भी जरूर बताना, ठीक है। आओ इसे पढ़ लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा अच्छे से। और इस वीडियो को जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना दोस्तों, आप सब लोगों को मैं बता दूं, रेगुलरली आप इसे देखना शुरू करना और आज आपको देखो समझ में आएगा कैसे पढ़ते हो। जैसे आप देखोगे ना बस वैसे ही पढ़ना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखो जरा, डेंजरस कॉन्फ्लिग्रेशन है, मतलब एक आग भड़क गई है। द क्लैश बिटवीन आसाम एंड मिजोरम पुलिस फोर्सेज वॉज क्लियरली अवॉइडेबल, ये पूरी तरीके से अवॉइडेबल थी, दोनों पुलिस फोर्सेज के बीच का जो क्लैश हुआ है ये पूरी तरीके से अवॉइडेबल था। फॉलोइंग अ डेंजरस एंड अवॉइडेबल एस्केलेशन, एस्केलेशन का मतलब होता है कि बढ़ जाना ना, इंक्रीज होना, एस्केलेशन जो हुआ है ऑफ एन अदरवाइज डोमेंट बॉर्डर डिस्प्यूट, एक बॉर्डर डिस्प्यूट जो डोमेंट है, डोमेंट मतलब टेम्पररली जो इनएक्टिव था, एक्टिव तो रहता है बट टेम्पररली इनएक्टिव था, वो फिर से बढ़ गया। फाइव पुलिसमैन एंड अ सिविलियन फ्रॉम आसाम वर किल्ड, छह लोगों की डेथ हो गई इन द मिजो बॉर्डर टाउन ऑफ वेरिंगटे, इन जगह का नाम है वेरिंगटे, इन क्लैशेस बिटवीन पुलिस फ्रॉम द स्टेट एंड देयर काउंटर पार्ट्स, यानी कि मिजोरम की भी पुलिस और आसाम की भी पुलिस के झड़प होने की वजह से ऑन मंडे। दी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये जो झगड़े हैं कब से शुरू हो गए हैं, शुरू हुए थे अक्टूबर 2020 में, झगड़ा शुरू हो गया था इसका, अब वो ऐसा नहीं था खराब एकदम से बेकार हो गया, वो शुरुआत थोड़ी सी वहां स्टार्ट हुई। तो इसकी जो सीक्वेंस है वो ये बताते हैं, सजेस्ट करते हैं दैट व्हाट बिगेन एज स्क्रिमिशेस, किस चीज की वजह से जो है झगड़े शुरू हुए, बिटवीन रेसिडेंट्स क्लोज टू द डिस्प्यूटेड बॉर्डर बिटवीन आसाम्स कचर और मिजोरम का कलासिब डिस्ट्रिक्ट में हैज स्नोबॉल्ड, वो और बढ़ गए इनटू अ वायलेंट कन्फ्रंटेशन में बिटवीन पुलिस एंड रेसिडेंट्स, पुलिस और रेसिडेंट्स के बीच में वो दोस्तों बढ़ गए। अब ये बढ़ गए वहां से धीरे धीरे बढ़े 2020 के बाद से, द इवेंट्स पॉइंट टू अ फेलियर, लेकिन जो ये झगड़ा हो गया ये हमें दिखाता है, पॉइंट करता है कि ये तो एक प्रकार का फेलियर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का। ऐसा क्यों कह रहे हैं, एम्पावर टू डी एस्केलेट टेंशंस, जिसको यूज किया जाता है टेंशंस को डी एस्केलेट करने के लिए। अब पुलिस फोर्सेस ही अगर एक दूसरे से लड़ जाएंगी तो कैसे काम चलेगा, दो स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स को जो ऑर्डर मिले होते हैं वो ऑर्डर क्या मिले थे कि जाओ झगड़ लो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, बट हाँ ये एक फेलियर है, फेलियर किस चीज का, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का यार, कि वो आपने मैनेज अच्छे से नहीं किया। ओके, एट द बॉर्डर, बॉर्डर पर अग्री कर दो इस बात से जरा मुझे बताना, यस सर, द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस, अब जो ये प्रेजेंस थी वहां पर सेंट्रल पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट्री निकल रहा था दिमाग से, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो प्रेजेंस थी शुड हैव हेल्प, उसे मदद करनी, शुड हैव हेल्प मेंटेन द पीस, उसकी मदद ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि पीस मेंटेन रहे, ऐसा होना चाहिए था, बट इट इज क्यूरियसली नॉट द केस, लेकिन क्यूरियसली ऐसा नहीं हुआ। ओके, बिसाइड्स, इसके अलावा आसाम एंड मिजोरम आर गवर्न्ड बाय द बीजेपी, जो पार्टीज उनके नाम है, कौन कौन से गवर्न होते हैं, बीजेपी और इनकी अलाय है मिजो नेशनल फ्रंट रेस्पेक्टिवली, एंड आर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ विच आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्व शर्मा इज अ फाउंडर कन्वर। अब ये तो यहां पर है बट उसके अलावा भी पॉइंट में ये नहीं क्लियर हुआ कि यार दोनों की दोनों एक्चुअली तो एक ही पार्टी के सही हैं, दोनों की दोनों चीफ मिनिस्टर ने एक दूसरे के ऊपर भी
अक्यूजेशन किया, और वो अक्यूजेशन ट्विटर के थ्रू, वीडियो के थ्रू, एंड आप जरा सोचो एक ही देश में एक ही अलग 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 जगह से आके वो बगल बगल में स्टेट में रहकर ऐसा डिस्ट्रीब्यूट उतना बड़ा बढ़ जाएगा, तो इसके लिए वो ट्विटर पे आकर या कहीं पर भी आकर बताने का तो बात तो खराब वाली होती है, कोई लॉजिकली तो होते नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में जो एक सिटीजन होता है ना वहां का, सिटीजन कितनी हद तक वो आरोपी है सिटीजन, ये सिचुएशन समझते हैं। ऐसा नहीं है कि सिटीजन है वहां के तो उन लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया। पॉइंट हमेशा से वही ध्यान रखना है कि वहां जो लैंड है, जो जगह है, वो जगह ही इतनी ज्यादा नहीं है कि जो लैंड वाला एक समतल वाला एरिया वो ज्यादा हो जहां पर खेती हो सकती है, वो एरिया बहुत कम है। आज पॉलिटिकल बोनोमी, बोनोमी मतलब फ्रेंडली नेचर, दैट इज बोनोमी, है ना, खुश मिजाजी, जो पॉलिटिकल बोनोमी है शुड हैव अलाउड द रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर टू टेम्प डाउन बॉर्डर टेंशंस। बोनोमी होती तो बॉर्डर टेंशंस खत्म हो जाती, कम कर दी जाती, एंड टू रिटर्न दी स्टेटस क्यो जैसा है वैसी सिचुएशन होने लगती, ठीक वाली सिचुएशन, थ्रू जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग टीम्स। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्वॉल्विंग दी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व करते हुए हो सकता था इन मेंटेनिंग द पीस ओवर द बॉर्डर इशू, बॉर्डर इशू पर पीस को मेंटेन करने के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। इंस्टीड इसके बजाय बोथ चीफ मिनिस्टर्स ने क्या किया, हैव बीन एक्सचेंजिंग एलिगेशंस, एलिगेशंस वो लगाते रहे ऑन ट्विटर सीकिंग द इंटरवेंशन, कि भैया इंटरवेंशन हो जाए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का, एंड यूजिंग वीडियोज टू टेल अ स्टोरी दैट सूटेड देयर वर्जन ऑफ द इवेंट, जिनको लगा कि हाँ उनके हिसाब से ये चीज शूट कर रहे हैं, तो उन्होंने वही बताया। ए फेरेशिकल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का सबसे खराब तरीका है, आप अगर किसी चीज को बता रहे हो इस तरीके से तो ये सिर्फ सिर्फ झगड़ा ही दिखाते हो, साथ में ये बताते कि यू आर द राइट पर्सन और आप अपने आप को पूरा सपोर्ट कर रहे हो वहां पर। बात ऐसा नहीं होता है, बात होती है कि जो समस्या है उसको सुलझाई जाए, और समस्या सुलझाओगे कैसे, आप ऐसे करके थोड़ी समस्या सुलझाओगे, समस्या तो डिस्कशन करके, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके होगा, कि आप एलिगेशन करके, फिर वीडियो करके, फिर अपने हिसाब से चीजें, ये तो छोटा आदमी करता है। अब वो चीज उस बड़े लेवल पर रखी है तो वो पूरी तरीके से कम्युनिकेशन में कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, ये हमारे सामने आया, अभी सिचुएशन कहां तक पहुंची है, ठीक है आगे बढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ते जाना, आपके एकदम दिमाग में सेट होता रहेगा। दिस ऑल्सो अकर्ड जस्ट डेज आफ्टर बोथ चीफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद अदर्स मेट विद मिस्टर शाह, मतलब ये तब भी हुआ जब मिस्टर शाह से मिल लिए, उसके बाद भी दोनों तरफ से हुआ, मतलब पहले हो रहा था तो चलो ठीक है उसको क्रिटिसाइज किया था, उसके बाद यार अमित शाह से मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद भी फिर से वही हो रखा था कि लो भैया हम बता दे रहे ट्विटर पे ना कि ये ने सही नहीं किया, उन्होंने सही नहीं किया। तो ये एक मतलब आप बताओगे कितना अच्छा है, आप लोग बताना, ठीक है। टू डिस्कस द रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इसके रेजोल्यूशन के लिए मिले थे, उसके बाद भी ये हुआ। द अनफॉर्चुनेट लॉस ऑफ लाइफ, जिन लोगों की जिंदगी गई, डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट लॉस ऑफ लाइफ से हैज लेड टू हार्डन्ड स्टांसेस, अब उसकी वजह से जो कदम उठाए जाएंगे और मजबूत होने चाहिए, विद मिस्टर शर्मा अनाउंसिंग दैट, उन्होंने ये अनाउंस किया आसाम वुड डिप्लॉय 4,000 कमांडोज टू गार्ड इट्स बॉर्डर, इवन एज मिजोरम्स चीफ मिनिस्टर जोरमथंगा हैज मेंटेन्ड दैट द कैजुअलिटीज फ्रॉम फॉलोड फ्रॉम द आसाम पुलिस एक्शन, कि जो उनके बाद ये कैजुअलिटी हुई है वो उस पर आरोप लगा रही है। ये फिलहाल अभी ऐसे करके चीजें हो रखी हैं, ठीक है भैया हम लोगों ने सुन लिया, आ जाओ। तो ये अब तो सिचुएशन है करंट की क्या है, एंड नाउ लेट्स कम टू द बैक ऑफ द स्टोरी, कि एक्चुअली इसकी स्टार्ट हुई कहां से होगी, किस तरीके के लोगों पर ज्यादा अभी ध्यान देना होगा, किस कौन लोग हैं जिनकी वजह से झगड़े ज्यादा बढ़े, कोई तो ऐसे लोग भी रहे होंगे, पॉइंट है। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस में आके पहले ही पुलिस गोलीबारी कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही, नहीं, पहले कुछ तो वायलेंट एक्टिविटीज हुई होंगी, उससे पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की होगी, पर जब वो रुकी नहीं होंगी उसके बाद पुलिस ने ये सारे काम भी किए होंगे, क्योंकि पुलिस पहले से थोड़ी ना करते, आपको मालूम है यार इतने ज्यादा लोग झगड़े कर देते हैं फिर भी बहुत रोक लेती है पुलिस की, चलो ठीक है आज ठीक है सुधर जाओ रुक जाए, ये वाला पॉइंट रहता है। लेट्स कम टू द पॉइंट, वो भी दिया है, सेक्टेरियन ट्राइबलिज्म, ट्राइबल एरिया है वहां पर, काफी लोग ट्राइबलिज्म है, वो सेक्टेरियन ट्राइबलिज्म का मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के डॉक्ट्राइन को फॉलो करने वाले, पर्टिकुलर टाइप के थॉट को, प्रोसेस को फॉलो करने वाले कुछ लोग, हैज बीन द बेन, वो वहां के लिए बेन की तरह है, बेन मतलब अभिशाप की तरह है, ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, विद अंडर डेवलपमेंट एक्टिंग
एज अ कैटलिस्ट, ये उनके लिए कैटलिस्ट बन जाती है इन कॉम्प्लिकेटिंग नॉटी इश्यूज ओवर लैंड एंड अदर इश्यूज इन द रीजन, जिसकी वजह से वहां पर ये इश्यूज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखे होते हैं कि जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वो और बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि एक ट्राइबलिज्म, सेक्टेरियन ट्राइबलिज्म होने की वजह से. ये अब सारे लोग तो नहीं है, बट हाँ बॉर्डर के आसपास रहने वाले कई सारे लोगों की वजह से, जिसकी वजह से झगड़े शुरू हुए, ये वो है. ओके, देयर इज नो श्योर शॉट एंड क्विक सॉल्यूशन पॉसिबल टू द बॉर्डर डिस्प्यूट्स. कोई श्योर शॉट और क्विक सॉल्यूशन नहीं है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर बिटवीन वेरियस स्टेट्स विदाउट अ स्पिरिट टू गिव एंड टेक. अगर जब तक आपके अंदर ये स्पिरिट नहीं आती गिव और टेक की, आपसे कुछ तो जाएगा, कहीं से कुछ तो आएगा, वो ऐसे करके नहीं होगा. अगर एक सीधी लाइन भी खींच देंगे तो भी बहुत से लोगों की जमीन इधर उधर उधर तो जाएगी ना. जब तक वो स्पिरिट नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता. ये बात बिल्कुल ठीक है. टू गिव एंड टेक एन अ सिविक एंगेजमेंट जरूरी है, लोगों का खुद का एंगेजमेंट जरूरी है, ब्रोकर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जो कि यूनियन गवर्नमेंट वहां पर बीच में आके सब कुछ करवाए. ये बहुत जरूरी है कि वो यूनियन गवर्नमेंट आकर सारा का सारा सोल्यूशन करवाए कि यार ऐसा करके होना जरूरी है, जब लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी इस तरीके का हो. बट फॉर दैट टू हैपन, अगर ऐसा होना है, गवर्नमेंट शुड फर्स्ट नॉट कंडोन वायलेंस. सबसे पहले वायलेंस को कंडोन नहीं करना है, मतलब उसको माफ नहीं करना कि ठीक है हो गया वायलेंस कोई दिक्कत नहीं. सबसे पहले वो नहीं करना है ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की हो. एंड रेस्ट्रेन पार्टीशंस एंगेजिंग इन सच एक्टिविटी, और इस तरीके के जो पार्टीशंस हैं यानी कि जो सपोर्टर्स हैं जो इस तरीके की वायलेंट एक्टिविटी में एंगेज होने की कोशिश करते हैं उनको रोका जाए इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, अपनी अपनी उन स्टेट्स में. A resort to to one upmanship will only prolong. अगर हम इस तरीके का resort रखेंगे, resort का मतलब क्या हो जाता है, एक प्रकार का दृढ़ निश्चय, determination. तो अगर हम ऐसा determination रखेंगे, will only prolong the disputes and harden stances. इससे सिर्फ और सिर्फ harden stances और hard हो जाएंगे. Stances का मतलब जो steps लिए जाएंगे. तो home ministry must ensure, इनको ध्यान ये रखना चाहिए that the Assam Mizoram border situation, जो situation है, is first subject to de-escalation. पहले सिचुएशन को कम किया जाए, डीएस्केलेट किया जाए, एंड स्टेप्स, फिर स्टेप्स लिए जाए टेकन टू रिटर्न टू द स्टेटस क्यो, जो पहले सब कुछ ऑलरेडी सब सही चल रहा था उसके हिसाब से पहले वो लेकर आया जाए. दैट प्रिवेल बिफोर द स्क्रिमिशेस बिगिन, झगड़ा शुरू होने से पहले जैसी सिचुएशन थी वैसी की जाए इन अक्टूबर 2020 में विद द कोऑपरेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स. वो भी कब हो पाएगा, जब दोनों की दोनों स्टेट्स का कोऑपरेशन मिलेगा. दिस इज द सिचुएशन जो हमारे सामने है, इसमें सोल्यूशन भी दिया हुआ है, एवरीथिंग सब कुछ यहां पर दिया हुआ. एंड में आकर जब ये सजेशन दे रहे हैं, आर्टिकल की टोन दोस्तों सजेस्टिव टोन है, सजेस्टिव टोन से ये आर्टिकल हुआ है दोस्तों फिनिश. नाउ यू टेल मी दोस्तों, क्या ये आप सबको समझ में आ गया? जो लोग यहां पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, जरा वो लोग भी मुझे बताना कि दिस इज माय फर्स्ट डे, क्या आपको सबको समझ में आया ये मुझे बताइएगा. और हां समझ में आया है तो लाइक बटन पर प्रेस करके बताना, जी सर बिल्कुल समझ में आया है. अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले आर्टिकल पर, उसको पढ़ लेते हैं जैसे हमने ये पढ़ा है, और यही तरीका दोस्तों आपको अपनाना भी है. अब जो लोग आए हैं उनके मैं यही बताऊं, आज 9 बजे क्लास नहीं, कल भी YouTube पर कई सारे लोग पूछ रहे थे, लेट आते हो तो चीजें रह जाती हैं. 9 बजे क्लास नहीं है, 9 YouTube पर नहीं है, लेकिन 9 स्पेशल क्लास जरूर है, 9 बजे और 9:40 पर स्पेशल क्लास पर जरूर मिलना, बस आ जाओ. आते हैं दोस्तों यहां पर हम लोग, कैसे आते हैं स्पेशल क्लास में, मैंने इनको शुरू में बताया है, आप आके ज्वाइन कर लेना है ना. आगे क्राइसिस इन ट्यूनिस, अब ट्यूनिस में क्राइसिस चल रही है. देखो अपने वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री हैं जहां पर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस चलते हैं. हम ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस को नहीं पढ़ते, क्यों ही पढ़ेंगे, क्यों हमारे काम की चीज है. लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस अगर ऐसी चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया, रीजन क्या, तो मैं आपको बताता हूं इस कंट्री में हो क्या रखा है. कि अभी जब से COVID-19 की फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, तो हुआ क्या, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, हर एक देश की खराब हुई, ऐसी ट्यूनिस में भी खराब हुई. वहां भी जब खराब हुई तो इसको मैनेजर हैंडल किया, वहां की सरकार ने कोशिश करी अपने हिसाब से, लेकिन वो हैंडल नहीं कर पाई. लोगों के अंदर आया गुस्सा, गुस्सा फूटा, और लोगों के अंदर का जो गुस्सा आया, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो वहां के जो प्रेसिडेंट है उनको लगा कि हाँ यार लोगों का प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, एक काम करते हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे प्राइम मिनिस्टर को हटा देते हैं. तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को हटा ही दिया. प्राइम मिनिस्टर हटा दिया, पार्लियामेंट थी उसको डिसमिस कर दिया, लोगों के पास जो राइट हो सकते थे वो सारे के सारे उन्होंने हटा दिए, कह दिए कि नए प्राइम मिनिस्टर अब हम बताएंगे कौन बनेंगे और तब ये काम चलेगा. और ये
अच्छा है कि नहीं है, अब आप मेरे को पहले सीधे तौर पे ये बता देना। तो यहाँ पर तो सीधे तौर पे कह रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं है, बाकी ये पूछ और रहे हैं कि अच्छा है कि नहीं है। इसके अलावा दोस्तों है क्या कि जब ये सब कुछ हुआ तो इससे पहले जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर थे, क्योंकि कोविड की वैक्सीन से लेकर हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ थी, तो पहले उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर थे हेल्थ मिनिस्टर को ही हटा दिया, अब इसके बाद इनको हटा दिया। तुम लोगों ने यार 900 लोगों ने थम्सअप दिया, बस तुम लोगों को शर्म नहीं आती यार है? तुम लोगों की शिकायत कर दूंगा मैं घर पे, मतलब वीडियो मेरी देखते हो थम्सअप कहीं और देकर आते हो, यार तुम लोगों ने 900 लोगों ने थम्सअप दिया कितनी बुरी बात है यार, मेरी नजर ना पड़े तो तुम लोग थम्सअप ना दो यार है, ऐसा कैसे काम चलेगा बताओ? कह दूँ शिकायत कर दूंगा तुम्हारे घर पर जाके, सबका डेटा आ जाता है मेरे पास है। हाँ कह रहे हो क्या, कर दो यार थम्सअप, थम्सअप कर दिया करो यार, और थम्सअप नहीं करते मतलब थम्सअप के लिए कहना पड़ता, चक्कर क्या है? ए, टीचर कहे जा रहा है थम्सअप दे दो, थम्सअप नहीं दे रहे, तुम लोग अपने में मस्त, यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी वो चलाए जा रहे हैं, पहले एक दूसरे से दोस्ती ही कर लो, आओ दोस्ती कर ले रहा हूँ, अलग ही धुन में घूम रहे हो क्या? कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया अनअकैडमी पर, एक सर और हैं जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं ना, तो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, तो मैं उनसे मिला था, तो मैंने उनके साथ एक वीडियो बनाया, मैंने कहा सर बताओ कि क्या होता है कि स्टूडेंट ना परेशान रहता है, तो मैंने वो कल वीडियो अपलोड किया, मैंने कहा कि भैया देख लेना अगर आपको लगता है कई बार डिप्रेशन होता है, मैं पता नहीं होता है, तो उसमें बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन जब मैं ये वीडियो देख लेता हूँ ना किसी की भी जिसमें कहते हैं कि हाउ टू हैंडल डिप्रेशन, तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है। तो अलग धुन में मत घूमो उन बच्चों की तरह, ठीक है? तो यार यहाँ तो अलग ही धुन में घूम रहे यार, ये तो गलत बात है बहुत ज़्यादा है, अब इसमें कंजूसी चला रहे हो, इतना बढ़िया मैं सिखा रहा हूँ, किसके लिए सिखा रहा हूँ हाँ बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? सीख गए? दे लेते, अब हंस लो, हंस लो बढ़िया से, हंस लो और हंस लो। अच्छा आओ जब पढ़ लेते हैं क्या चल रहा है, हाँ सुनते नहीं हो यार, और क्या यार बता, थम्सअप नहीं देते, किससे कहूंगा मैं थम्सअप नहीं देते, तो चलो दे दिया करो जो थम्सअप, ठीक है आओ पढ़ते हैं। पार्लियामेंट सस्पेंशन, पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया, सीम्स अ पावर ग्रैब, ये दिखाता है कि आपने पावर ग्रैब कर ली बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा ऐसा लगता है, नॉट अ रेस्पॉन्स टू पब्लिक एंगर, ये पब्लिक एंगर का रेस्पॉन्स नहीं तो पावर अपने हाथ में लेने का रेस्पॉन्स लग रहा है। ओके पढ़ते हैं क्या, ट्यूनिशियन प्रेसिडेंट, ट्यूनिशियन प्रेसिडेंट कई सईद का जो डिसीजन है टू सेक का मतलब किसी को किसी की पोजीशन से हटा देना, टू सेक दी प्राइम मिनिस्टर को हटा देना और सस्पेंड कर देना पार्लियामेंट को एमिड वाइड स्प्रेड एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहा था लोगों के द्वारा, हैज ट्रिगर्ड द वर्स्ट पॉलिटिकल क्राइसिस, और ऐसा करने से हमें दिखाता है कि इससे तो वर्स्ट पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई इन दी कंट्री, कंट्री में सिंस कब से, द अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट, जब से कि अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अमंग दी कंट्रीज, वो सारी कंट्री जो कि अफेक्ट हुई अरब स्ट्रीट प्रोटेस्ट से, ट्यूनिशिया वॉज दी ओनली वन, यही मात्र एक ऐसी थी दैट मैनेज्ड टू सक्सेसफुली ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो कि डिक्टेटरशिप से हटकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बन गई थी, मतलब पहले वहां डिक्टेटरशिप होती थी, उसके बाद से डिक्टेटरशिप हट गई, अब वहां डेमोक्रेसी आ गई थी, लोग वोट देते थे तब जाकर कोई बनता था, लेकिन अब जैसी एक्टिविटी यहां पर हुई ये तो डिक्टेटरशिप बन सकती है दोबारा फिर से, तो फिर बेकार हो जाएगा। हालांकि 10-11 सालों में बहुत सारी सरकारें बदल गई वहां पर, सिचुएशन इसी वजह से ऐसी हो रखी है, यानी कि जो भी बनता होगा उस पर भरोसा नहीं होता गया, थोड़ी बहुत सिचुएशन खराब होती होगी तो उस खराब थोड़ी बहुत सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए तो लोगों का प्रोटेस्ट शुरू हो जाता होगा और इस तरीके से कोई ना कोई रिस्पॉन्ड वहां पर सरकार कर देती होगी। ओके बट लेकिन जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज का इलेक्टेड रूलर्स है नेवर मैनेज टू ईज इट्स इकोनॉमिक वोज, उन्होंने कभी वो कोशिश नहीं कर पाए, कोशिश क्या, वो कभी मैनेज नहीं कर पाए जो इकोनॉमिक समस्याएं उसको सही कर पाए और ऑफर स्टेबल गवर्नेंस और स्टेबल गवर्नेंस बन पाए। ट्यूनिशिया हैज हैड 9 गवर्नमेंट्स, ट्यूनिशिया की 9 सरकारें रही हैं सिंस 2011 2011 से 2021 चल रहा है और अभी मतलब 11वीं साल चल रही है और 9 सरकारें बदल गई
देख रहे चक्कर क्या क्या हर हर मतलब 9-10 महीने बाद एक क्या वोट कराने निकल लेते हैं कि चल चल ले एक वोट करा ले रहे हैं, बहुत हो गया, एक साल बहुत है, एक साल तो ज्यादा नहीं बट साल भर बहुत है, अब चेंज करो, ये चक्कर है ऐसा करके। विद इट्स क्राइसिस क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूं। विद इट्स क्राइसिस इकोनॉमी बींग बटर्ड, जिसको बटर किया जाता है फर्दर बाय द COVID-19 आउटब्रेक, इसके द्वारा ये बता रहे हैं कि भाई ये और खराब कब हो गई, जब ये COVID-19 आउटब्रेक आया लास्ट ईयर, तब क्या हुआ इनकी जो GDP थी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़कर 8.8% रह गई इन रियल टर्म्स। The trigger now is the government's poor handling of the pandemic. अब उसके बाद जो ट्रिगर हुआ क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने हैंडल इसको अच्छे से नहीं किया, पुअर हैंडलिंग की वजह से ऐसा हो गया। कंट्री ऑफ 11.8 मिलियन लोग हैं जहां पर हैज रिकॉर्डेड नियरली 18,000 COVID-19 की डेथ हुई थी अब तक, वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा डेथ रेट है इन द वर्ल्ड, जिससे कि लोगों का गुस्सा वहां से फूट के आ गया। तो पहले लोगों का गुस्सा उठा, फूटा गुस्सा, जो हेल्थ मिनिस्टर है उसके अगेंस्ट, तो हेल्थ मिनिस्टर को हटा दिया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया। अब पता नहीं किसी और के अगेंस्ट आएगा तो उसको भी हटा देंगे। सोचते हो ये कोई सलूशन है क्या? दिस इज नॉट द सलूशन। आप ये लेकिन हुआ है, ओनली 7% पॉपुलेशन है अभी जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है वहां पर। लास्ट वीक गवर्नमेंट का जो मूव था टू स्पीड अप वैक्सीनेशन, की वैक्सीनेशन को तेज किया जाए By opening it all, इसको ओपन कर दिया जाएगा सभी लोगों के लिए अब 18 years, ended in stampedes, वहां पर क्या हो गया, भगदड़ मच गई बहुत ज्यादा, सभी लोग एकदम से आ गए वैक्सीन लगवाने के लिए। फिर क्या हो गया, वायलेंट इंसिडेंट्स होना फिर उसके बाद शुरू हो गए, झगड़ा हो गया होगा वहां पर, हम लगवाएंगे वैक्सीन इस चक्कर में ये झगड़ा हो गया। प्राइम मिनिस्टर हिशेम मिशिशी, ये प्राइम मिनिस्टर का नाम है, प्रोनंसिएशन गलत भी हो सकती है, ठीक है, सेक द हेल्थ मिनिस्टर, तो पहले तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने हेल्थ मिनिस्टर को हटा दिया, अलग ही गेम चल रहा है इनका, प्राइम मिनिस्टर ने हेल्थ मिनिस्टर को हटा दिया और प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया। प्रेसिडेंट को तो कोई हटा नहीं सकता क्या, उसको भी हटा दिया कोई, उन्होंने पार्लियामेंट ही भंग कर दिया, किसी के पास कोई राइट नहीं है, सब आराम से बैठो, अभी मैं करूंगा जो कुछ करूंगा, ये ऐसा चल रहा है। बट पब्लिक एंगर, हेल्थ मिनिस्टर को हटा दिया लेकिन जो पब्लिक एंगर था रिफ्यूज टू सबसाइड, वो सबसाइड नहीं हुआ, यानी वो कम नहीं हुआ गुस्सा उनका, वैसे ही रहा लोगों का। 25 जुलाई की बात है, ट्यूनिशिया की रिपब्लिक डे पर प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गया, ब्रोक आउट एंड ऑफिसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी का नाम है एनाडा, रूलिंग पार्टी का नाम है स्टोम, तो वहां पर स्टोम हो गया, एक तरीके से तूफान आ गया, क्योंकि लोग वहां पर आ गए और लोगों ने वहां पर आ गए लोगों के गुस्सा हो गया, लोगों के गुस्से के चक्कर में उन्होंने क्या किया, हटा दिया, दिस अलाउड द प्रेसिडेंट टू सेक द गवर्नमेंट को उन्होंने सेक कर दिया कि भैया जाओ, प्राइम मिनिस्टर आज से तुम नहीं रहोगे, हम कुछ और सोचेंगे, तो इस चक्कर में तूफान आ गया, आओ तूफान आ गया। फिर आप आगे क्या हो गया, प्रेसिडेंट सईद ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं ही स्टेप इन, उन्होंने ये स्टेप लिया है टू सेव दी स्टेट को बचाने के लिए, बट इन अ कंट्री, लेकिन एक ऐसी कंट्री में वेयर दी वुंड्स ऑफ डिकेड्स लॉन्ग डिक्टेटरशिप, जहां पर कई दशकों से सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप ही रही हो और इसके जो घाव हैं आर येट टू हील, अभी वो भरे भी नहीं है, हिज मूव टू डिसॉल्व एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेकिन इस समय पर उनका जो मूव है इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देने का वुड रेज कंसर्न्स, वो तो कंसर्न्स को बढ़ाएगा रेदर देन कंफर्ट को नहीं बढ़ाएगा। बोथ, अब क्या होगा, जो प्रेसिडेंट है और जो पार्लियामेंट है आर पॉपुलरली इलेक्टेड, ये दोनों की दोनों क्या है कि पॉपुलरली इलेक्ट ही होते हैं वहां पर। मिस्टर मिशिशी हैड द बैकिंग, उनको सपोर्ट है उस पार्टी का, इनहडा जो पार्टी का नेम है, द लार्जेस्ट पार्टी इन द सस्पेंडेड पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट सईद जो है हु इज एन इंडिपेंडेंट, अभी तो यानी इंटरनल दे रखा है, वैसे अपने काम का नहीं पढ़ ले रहे हैं, हैड अ टेस्टी रिलेशनशिप, देखो आ गया रिलेशनशिप, इनका रिलेशनशिप एनाडा पार्टी से टेस्टी रिलेशनशिप है, आप समझ गए कौन सा वाला टेस्टी, ये वाला टेस्टी नहीं, खराब वाला टेस्टी, TESTY, और ऐसे करके याद रखोगे तो आप बड़ा एकदम याद रहेगा, है ना, स्पेलिंग याद रखना। तो इनके उनसे रिलेशनशिप ही खराब थे, प्राइम मिनिस्टर से भी और एनाडा पार्टी से भी, तो उन्होंने लगा कि आज मौका बढ़िया, लाओ प्राइम मिनिस्टर हटा देता हूं, हटा देने। While the Mishishi government जो है has clearly failed, हालांकि पूरी तरीके से फेल हो गई है in tackling the COVID-19 pandemic, the president जो move है to dissolve parliament appears
ये अब ऐसा दिखाता है कि भैया तुमने ये किया है, मोर अगी की अपियर ऐसा दिखता है, मोर अ पावर ग्रैब, ये पावर ग्रैब ज्यादा दिखता है देन अ जेन्युइन अटेम्प्ट टू एड्रेस द कंट्रीज प्रॉब्लम, कंट्री की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया ऐसा नहीं लगता है, लगता है पावर ग्रैब कर लिया गया है। सो एनाडा एंड एटलीस्ट टू अदर पार्टीज जो है हैव अक्यूज, उन्होंने आरोप लगाया मिस्टर सईद को ऑफ ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्केस्ट्रेट मैंने बताया ना मैनेज करना, सिक्योरेटिवली किसी चीज को आपने ऑर्गेनाइज कर लिया तो इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया है कू करने के लिए। कू का मतलब होता है COUP, कूप, तख्ता पलट कर दिया जाए, तख्ता पलट होता है कि सरकार है उसे हटा दी गई, मिलिट्री शासन कर दिया जाए, तो ये उन्होंने कहा शायद ऐसा किया है, तो ये तो है इंटरनल है। इफ दे रिजोर्ट टू प्रोटेस्ट, अगर प्रोटेस्ट होता रहता है इट वुड पिच द पार्टीज, पार्टी को पिच करेगा दैट कंट्रोल पार्लियामेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, डीपनिंग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से जो इनस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। The 2014 Constitution has called for, इसमें डिमांड ये रखी गई थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए टू सेटल क्राइसिस लाइक दिस, इस तरीके की क्राइसिस को सेटल करने के लिए। ये अगर कोर्ट नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस तरीके की डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए तो वहां तो फिर से डिक्टेटरशिप तो आ ही जाएगी, अपने देश में है यहां नहीं है। बट द कोर्ट हैज नॉट बीन फॉर्म्ड येट, कोर्ट अभी भी नहीं बनाया गया है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ओवरसीज ओनली द मिलिट्री एंड फॉरेन अफेयर्स, ये सिर्फ इन्हीं को ही अपने अंडर में रखते हैं, वाइल द प्राइम मिनिस्टर है उनके पास चार्ज क्या है ऑफ द डे टू डे अफेयर्स का चार्ज इनके पास है ऑफ द गवर्नेंस। सो टू अवॉइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए द प्रेसिडेंट विल हैव टू अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर, उन्हें एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना होगा who should win the confidence of the assembly of the people's representatives, और उसको वो लोग यहां पर बना देंगे, कौन होगा पता नहीं। मिस्टर सईद शुड एक्ट, इनको एक्ट करना चाहिए within its constitutional limits में, लिमिटेड ही काम करना चाहिए। रिकॉल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो अभी इन्होंने डिसॉल्व कर दिया उसे फिर से शुरू कर देना चाहिए। एंड अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन बन करना चाहिए विच कुड टेक स्टेप, जो कि स्टेप्स ले सके टू एड्रेस ट्यूनिशियाज इकोनॉमिक एंड हेल्थ केयर वोज, इकोनॉमिक वोज और हेल्थ केयर वोज उन दोनों के दोनों संकटों को जो डिस्कशन करने के लिए सोच सके, ये करने की जरूरत है। दिस इज द आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 2। टेल मी दोस्तों ये अब आपको क्लियर हो गया, वर्ड टू वर्ड हमने पढ़ा एक एक करके, एंड यही एक एक करके आपको दोस्तों हमेशा पढ़ना होता है। आपको बता दूं किसी चीज को जब आप पढ़ रहे हो ना, अगर आपको उसकी स्टोरी नहीं मालूम कि एग्जैक्टली है क्या चल क्या रहा है तो आपको शुरू में डेफिनेटली दिक्कत हो सकती है न्यूज़पेपर में, बट जब आप रेगुलरली पढ़ रहे हो सो यू विल नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, उसी से रिलेटेड ही कुछ दिया होगा वो आप आराम से पढ़ पाओगे। इसके अलावा जब आप रीडिंग कर रहे होते हो यहां से रीडिंग से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करते हो, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करोगे, कितनी इंप्रूव करी कितनी नहीं आज हम आएंगे अनअकैडमी स्पेशल पर, वहां टेस्ट लेंगे, वहां टेस्ट करके आपको पता चलेगा। तो आप लोग आएंगे दोस्तों टेस्ट को लेकर, टेस्ट देखेंगे, बाकी अच्छा लगा है थम्स अप लेकर जरूर प्रेस करना बताना, बाकी मैं दिखाता हूं क्लास कैसे मिलेगी और दो तीन और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं वो भी बताता हूं कि आपको अगर प्लस पर पढ़ना है तो प्लस पर कैसे पढ़ोगे। प्लस पर पढ़ने के लिए आपके पास एक बैच है IBPS क्लर्क का, हमने जो स्टार्ट किया था 21 तारीख से, सेम है अगर आप इसको और पढ़ना चाहते हो तो आप 28 तारीख से और शुरू हो रहा है, ये लो 28 तारीख से भी शुरू हो रहा है, 28 तारीख है दोस्तों आज, और आज आकर भी आप दोस्तों इसे ज्वाइन कर सकते हो। जब आप इसे ज्वाइन करोगे आपको कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं आपके काम की मिल जाएंगी, जैसे कि आप देखो कुछ कुछ चीजें काम की मिलेंगी, काम की चीजें ऐसी मिलेंगी, तारीख आपकी 28 है, कैसे सब्सक्रिप्शन लोगे बताता हूं फिर काम की चीज बताता हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड किया अभी मेरी क्लास पे आओगे तो कैसे आओगे, विशाल परिहार ढूंढोगे मैं मिल जाऊंगा, मुझे फॉलो करके मेरी प्रोफाइल पे आना। प्लस पर प्लस का कोर्स मिलता है, स्पेशल पे टैप करके स्पेशल कोर्स लेना, ये काम आप क्लास के तुरंत बात कर लेना, स्पेशल क्लास में एनरोल कर लेना, इस कोड का लगा के AVP10 क्लास एनरोल हो जाएगी, फ्री क्लासेस होते हैं। आप प्लस पर टैप करोगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी गेट सब्सक्रिप्शन की, ये आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी और स्क्रीन पे क्या करना है आपको, सबसे पहला काम इस कोड को ही लगाना है यहाँ पर, यही कोड अगर आप यहाँ लगाओगे जो लिखा होगा रेफरल कोड, आपकी हर एक मंथ की फी में 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 12 महीने की फी आपने चूज करी तो 5850 आपको दिख जाएगा और इसका आप ले लो सब्सक्रिप्शन। आज तारीख है 28, आज आखिरी दिन है, इसके बाद से फी हाइक हो रहा है और फी हाइक कितना हो जाएगा आई डोंट नो, बट हाँ फी हाइक हो रहा है, तो आपने जितने लोगों ने प्लान किया हुआ है और परचेस करने का तो आज आखिरी दिन है, इसको परचेस करने कर लेना, फी हाइक कितना भी हो सकता है, ₹5 भी होगा, किसी को ₹5 क्यों एक्स्ट्रा दोगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ₹5 तो नहीं होगा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं कितना हाइक होगा वो आप देख लेना, पिछली बार भी ऐसी हाइक हुआ था ना तो उसके हिसाब से दोस्तों ऐसे करके आपसे देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा कभी भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो आपको इस कोड का इस्तेमाल करोगे यू विल फाइंड कि 10% आपको वहां पर ऑफ मिल रहा है किसी भी सब्सक्रिप्शन में, बाकी बैंक का सब्सक्रिप्शन लो आपके लिए अपने हिसाब से सही है।
अभी जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो वहां पर इस तरीके से लाइन भी आ रखी होगी, सब्सक्रिप्शन प्राइसेस विल बी इंक्रीज सून, और ये इंक्रीज सून आज तारीख 28 से 28 तक रखा गया है, एंड लेट्स सी कि कितना हो जाएगा। इससे पहले कि अगर आपने प्लान किया हुआ तो क्यों आप बढ़ाओ, ये आपके लिए चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं 9 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर, और फटाफट से वहां पर क्लास करते हैं। सेशन अच्छा लगा है थम्स अप देकर जाएंगे, रेगुलरली देखिए, रेगुलरली सुबह 7 बजे आइए, बढ़िया तरीके से सीखिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलेंगे आप 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू। Long years ago.